Assalamualaikum everyone, welcome to our kitchen Kokni Bites. कैसे हैं आप सब? मैं हूँ ज़ैनब कोनकरी, स्वागत है आपका हमारे किचन में। तो खिचड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगेगा 1 किलो खिचड़ी का गेहूँ। ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, तो आप ले सकते हैं। ये हमारा 4 किलो मटर है, उसके हिसाब से हमने 1 किलो खिचड़ी का गेहूँ लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो दालों में हमें 5 दाल लगने वाली है। मसूर दाल हमने 1/4 कप, सारी दालें हम 1/4 कप लेंगे। ये हल्की सी हमने ज़्यादा ली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मसूर की दाल थोड़ा सा ज़्यादा हमने ऐड किया है। बाकी मूंग दाल हमने ली है 1/4 कप, यानी 1/4 कप। ये है तूर दाल, इसे भी हमने 1/4 कप लिया है। 3 दालें हमने ऐड कर चुके हैं। चने की जो दाल है इसे हम 1/2 कप लेंगे। ये है उड़द दाल, इसे भी हमने 1/4 कप लिया है। अब हम ऐड करेंगे चावल। आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं, बासमती या रेगुलर, ये भी 1/4 कप होगा। इन सभी दालों को और गेहूं को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे 3 से 4 दफ़ा, और उसमें पानी, अच्छा पानी उसमें डाल के उसे ओवरनाइट हम भीगने के लिए रख देंगे। और उसी पानी के साथ हम उन दालों को और गेहूं को प्रेशर कुक कर लेंगे जब तक कि वो कुक हो जाए। तो दाल हमने प्रेशर कुक कर ली है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है दाल। अब गेहूं को हम प्रेशर कुक करने के लिए रखेंगे, तो उसे सबसे पहले हम पानी ऐड कर लेंगे उसमें। और ये हमारा घी गानी का खिचड़े का मसाला है, ये बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। तो हमने 4 से 6 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर ली है। उसमें हम ऐड करेंगे, ये जो मसाला होता है इसमें 2 पैकेट्स होते हैं, तो जो छोटा पैकेट है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। हमने ऐड कर लिया है मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी 1 चम्मच, ताकि गेहूं नीचे से लगे ना। गेहूं को हम हाई फ्लेम पर 2 सीटी स्टार्ट में ले लेंगे, और स्लो फ्लेम पर और 2 सीटी ले लेंगे, तो वो अच्छे से कुक हो जाएगा। ये 2.5 किलो प्याज है, इसे हमने नमक और हल्दी डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया अपने हाथों से। इतना मिक्स करेंगे कि उसका अनियन का पानी अच्छे से छूट जाए। उसमें हमने 1/4 किलो टमाटर को बारीक चॉप करके ऐड किया है। इन सभी को अपने हाथों से बहुत ही अच्छे से मैश करना होगा, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। इन सब का अच्छे से पानी रिलीज़ हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, हल्दी 6 छोटी चम्मच रहेगी, 4 बड़ी चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट और 4 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और ये सारा ही ताज़ा हम यूज़ करेंगे, इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है खिचड़े का। फिर अपने हाथों से हमने इसे मिक्स किया, हमने अपने हाथों को वॉश कर लिया था। टोटल 4 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने ये मटन को साफ़ कर लिया है, 4 किलो मटन है, इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर और प्याज के मिक्सचर में। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, और इन्हें मसाला लगाकर हम लगभग 1 घंटा रख देंगे मैरिनेशन के लिए। आप चाहे तो टेंडर ऑन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ताकि मटन जल्दी से गल जाए। हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है इसमें। हमारे खिचड़े की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो हम उसके हिसाब से आपको मेजरमेंट बता रहे हैं। 4 बड़े चम्मच हमने तेल ऐड किया है 1 बड़ी से देगची में। तो गरम मसालों में काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और है सिनेमन स्टिक, इन सभी को तेल में ऐड कर लेंगे। जैसे ही गरम मसाले चटकने लगेंगे, हम उसमें ऐड कर लेंगे हमारा मैरिनेटेड मटन, ऐड कर लेंगे उसे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। खिचड़ा जो है वो यूजुअली मुहर्रम में बनाया जाता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है ये। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो हमने इसे हाई फ्लेम पर उबाल आने तक छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं साइडों से उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, धनिया ज़ीरा पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 4 छोटी चम्मच। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। खिचड़ा दिखने में तो बहुत ही मुश्किल होता है बनाने के लिए, लेकिन अगर हम बना दें तो ये बहुत ही आसान है।
तो हमने खिचड़ी का जो बड़ा पैकेट मसाला था आपको बताया था वो इसमें हम ऐड कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर लेंगे 2 चम्मच। अब इन्हें भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और लगभग 15 मिनट हम इसे कुक कर लेंगे। ये खिचड़ी का जो गेहूं था हमने प्रेशर कुक किया था, हम चेक कर लेते हैं पक गया है या नहीं। तो अब इसे उठाकर हाथ से इसे चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। खिचड़े का गेहूं बहुत ही हल्का सा ब्लेंड करना है हमें, पूरा मैश नहीं करना है। अब देख सकते हैं उसमें खिचड़े का थोड़ा पन रहेगा। ये दालों को हम बहुत ही फाइन ब्लेंड कर लेंगे। तो जो मटन था वो हमने प्रेशर कुक करने के लिए कुकर में डाल दिया था और उसी देगची में हमने दालें मिक्स कर ली। अब देख सकते हैं मटन कुक हो चुका है इसमें, और जो दालें थी वो हमने उस देगची में ऐड कर ली थी जिसमें पहले मटन था। अब ये मटन जो कुक हो चुका है वो हम दालों में ऐड कर लेंगे। ये जो मटन का जो चर्बी था उसका ये तेल आया है ऊपर, आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा उसका खुशबू भी आ रहा है और उसका रंग भी बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे उबाल आने के लिए हम गैस पर रख लेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसे गार्निश थोड़ा सा कर लेंगे हम मिंट की पत्तियां, धनिया की पत्तियां, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसे गैस पर रख लिया था, अब देख सकते हैं हल्का सा उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसकी तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए हमें लहसुन लगने वाली है, इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे। एक छोटी सी कढ़ाई में हमने तेल ऐड कर लिया है, 2 से 3 बड़ा चम्मच। उसमें ऐड कर लेंगे लहसुन, लहसुन लगभग 25 से 30 कलियाँ होनी चाहिए क्योंकि हमारा क्वान्टिटी ज़्यादा है। तो हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन को, हम गोल्डन ब्राउन होने तक सौटे कर लेंगे तेल में। अब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, और जैसे हम लाल मिर्च ऐड करेंगे तुरंत हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर लेनी है ताकि मसाला जले ना। देखिए हमने ऐड कर लिया और हमने गैस की फ्लेम को भी ऑफ़ कर लिया है, हम इसे तुरंत ही चला लेंगे। तड़का भी हमारा रेडी हो चुका है, तो हम इसे पोर कर लेंगे अपने खिचड़े के ऊपर। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बना है हमारा खिचड़ा, ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। तो आइए सर्व कर लेते हैं खिचड़ा। बिस्मिल्लाह। हम इसे सर्व करेंगे तंदूर की रोटी के साथ, गरम गरम तंदूर के नान या तंदूर की रोटी। मिंट और बिरिस्ते से इसे हम थोड़ा सा सजा लेंगे, नींबू के साथ इसे सर्व कर लेंगे। बहुत ही अमेजिंग बना है, ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। आप देख ही सकते हैं कितना बेहतरीन सा ये खिचड़ा दिख रहा है, ज़रूर ट्राई करना और अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।